कि किसी भी पोजीशन में किडनी स्टोन का पेन या रीनल कोलिक ठीक नहीं होता है। तो जैसे ही किडनी का पत्थर उस पाइप में जाके अटकता है तो किडनी में से पेशाब निकलना बंद हो जाता है। किडनी स्टोन का दर्द आपको भी हो रहा है, जो कि बहुत तेज और सीवियर दर्द होता है, और आप भी ये जानना चाहते हैं, इसलिए आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है कि ऐसी कौन सी चीज करी जाए जिससे एकदम से इस तेज दर्द में आराम आ जाए, किस पोजीशन में लेटा जाए और क्या काम किया जाए कि जिससे कि इस दर्द में, इस तेज दर्द में आराम आ जाए। तो नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर दीपांशु गुप्ता, मैं सीनियर यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट हूं क्योर स्टोन के साथ। आज हम बात करेंगे कि किडनी स्टोन के दर्द को अगर आप घर पर बैठे हुए हैं तो उसे कैसे कम कर सकते हैं। तो किडनी स्टोन का दर्द यूजुअली दो कारणों की वजह से होता है। एक तो ये, जब वो किडनी स्टोन आके अटकता है हमारी किडनी की पाइप यूरेटर में, या वो कहीं पर भी किडनी में रुकावट दे रहा है। तो जैसे ही किडनी का पत्थर उस पाइप में जाके अटकता है तो किडनी में से पेशाब निकलना बंद हो जाता है, उसमें रुकावट आ जाती है। इसकी वजह से बहुत तेज दर्द होता है जिसे पेशेंट बर्दाश्त भी नहीं कर पाते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो दर्द है ये इतना तेज होता है कि पेशेंट को उल्टी आना, उबकाई आना, ये सब चीजें भी इस दर्द के साथ एसोसिएटेड होती हैं। तो पेशेंट जब ये दर्द होता है तो वो दर्द को, उसको ठीक करने के लिए वो हर पोजीशन में लेट के देखने की कोशिश करते हैं। कई की बार वो सेम पोजीशन में लेटते हैं जिस तरफ दर्द हो रहा है। मान लीजिए राइट साइड में अगर दर्द है तो राइट साइड लेटते हैं, लेफ्ट साइड में दर्द है तो लेफ्ट साइड लेटते हैं। कई की बार गर्म पानी की सिकाई भी वो करते हैं। कई की बार वो अपने बॉडी को पूरा रोल अप कर लेते हैं, दोनों हाथ और पैरों को मोड़ के उसको पूरा रोल अप कर लेते हैं। लेकिन एज अ साइंटिफिक एविडेंस जो देखा गया है, ये पाया गया है कि किसी भी पोजिशन में किडनी स्टोन का पेन या रीनल कोलिक ठीक नहीं होता है। अगर आप किसी भी पोजीशन में लेटेंगे, किसी भी पोजीशन में आप अपने तकिया लगाएंगे, कुछ करेंगे, तो वो दर्द उतना ठीक नहीं होता है। ये चांस की बात है कि किसी एक पोजीशन में आपको लेटने से कुछ रिलीफ आ गया है। कई पेशेंट्स तो बहुत तेज दर्द में दौड़ना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है जब हम ज़्यादा तेजी से दौड़ेंगे, करेंगे, तो हमारा ये जो स्टोन है ये सरक जाएगा और हमारे को आराम आ जाएगा। तो ये सब भी साइंटिफिक एविडेंस के ऊपर बेस नहीं है। ये सब लोग अपने मन से करते हैं, कोई भी तरीके का पक्का इफेक्टिवनेस नहीं समझ में आ पाया है। तो इसलिए जब भी आपको किडनी स्टोन का पेन होता है, कोशिश ये करें कि आप रेस्ट करें। दूसरा, अपने घर में कोई भी पेन किलर है, अगर आप, सबसे बेस्ट तो यही होगा कि आप नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएँ और उनको अपना दिखाएं कि जी हमको ये दर्द हो रहा है, अपना अल्ट्रासाउंड कराएं, सिटी स्कैन कराएं और पेन किलर्स लें। और अगर आपके किडनी फंक्शन टेस्ट और अगर आपकी सब कुछ चीज़ें सही हैं तो घर में पेन किलर आप एक बारी के लिए ले सकते हैं, बट वो भी डॉक्टरी सलाह से ही लें। तो पेन किलर आप ले सकते हैं जिससे कि पेन थोड़ा कम हो जाए। आपको रेस्ट करना है। कई लोग क्या करते हैं कि पानी बहुत ज़्यादा पीना शुरू कर देते हैं। पानी पीने से अगर स्टोन फंसा हुआ है तो किडनी में प्रेशर और बढ़ेगा, जिसकी वजह से और ज़्यादा तेज दर्द होगा आपको। तो इसलिए बहुत ज़्यादा पानी पीने की कोशिश ना करें। और अगर आपको पेशाब में जलन आ रही है, बुखार आ रहा है, या फिर आप खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी एमरजेंसी में जाएं, वहाँ पे अपने डॉक्टर साहब को दिखाएं और टेस्ट में अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन या एक्सरे करवाएं, जिससे कि अपने को स्टोन की एग्जैक्ट लोकेशन और उसने किडनी को कितना नुकसान किया ये पता चल सके। ऐसी और किडनी स्टोन्स की वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें द क्योर स्टोन के साथ।